हेलो गाइस, तो आज जा रहे हैं हम एक स्पेशल प्लेस पे जो कि है दिल्ली से अराउंड 50 किलोमीटर दूर और जो कि एक फेमस ढाबा है। बहुत लोग जो है अपने वीकेंड्स पे वहाँ जाते हैं। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस रख लो, अभी आपको ना बताऊँ, बट सस्पेंस क्या रखना, आप हमारी ऑडियंस। तो हम कहाँ जा रहे हैं रियांश? हम जा रहे हैं मूर्थल सुखदेव। यस, तो हम जा रहे हैं मूर्थल सुखदेव जो कि एक फेमस ढाबा, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो है उसकी जर्नी कैसी रहती है और वहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। वो एक अच्छा वीकेंड होता है दिल्ली वालों के लिए स्पेशली, और वहाँ लोग स्पेशली वीकेंड्स में जाते हैं और किड्स भी वहाँ पे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको किड्स के लिए भी बहुत अच्छा खेलने के लिए जगह होती है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं आपको आगे मूर्थल। तो रास्ते में लगी थी भूख, तो सामने देखिए भैया छल्ली वाले, तो हमने सोचा चलो छल्ली खा लेते हैं और छल्ली लेते हुए चले, क्योंकि रास्ते में छल्ली जो है बहुत टेस्टी होती है। और भैया हमारे बना रहे हैं छल्ली, और छल्ली लेके फिर निकलते हैं मूर्थल की तरफ। रियांश, कैसी लग रही है आपको छल्ली खाने में? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, इंजॉय कर रहे हो? कर रहा हूं। फिर तो अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे रसोई ढाबा पे वॉशरूम वगैरह करने के लिए। ये हाईवे के ऊपर ही पड़ता है, तो आपको दिखाता हूँ वाइस कैसा लगता है। आपको वॉशरूम ही जाना? नहीं, अभी जाना है मेरे को। चलो चल, जाना है तो चले जाओ, फिर कहने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें पहुंचने में अभी। ठीक है, फिर आप मूर्तल जाके मस्ती कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सुखदेव का स्विम भी करूंगा ना। क्या खाओगे, क्या क्या आप? मैं वहाँ पे खाऊंगा मोमोज खाऊंगा मैं, और पिज्जा गार्लिक ब्रेड। पिज्जा गार्लिक ब्रेड थोड़ी ना खाते हैं सुखदेव अमरीक पे, वहाँ तो और बहुत सारी चीजें मिलती है बेटा। तो मैं यहाँ पे खाऊंगा मोमोज, यहाँ के मोमोज मैंने सुने बहुत मशहूर है। चलो देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है और आप खा लेना। और राइड्स भी करनी है ना आपने उधर? बहुत सारी राइड्स करनी है। ये कौन सा चिप्स था? क्या खा रहे हो यहाँ से आप? मैं खा रहा हूँ चिप्स। कौन से चिप्स खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ ये डोरिटोस। डोरिटोस, अच्छा, ये फेवरेट है क्या आपके? पापा नो ब्रांड पापा को तो खिला दे पापा को भी खिला, चल जल्दी खिला, रुक जा यार, जल्दी खिला यार। अरे पापा को गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, पापा स्टॉप करो यार, जल्दी खिला चाहे पापा को, पहले खिला पापा। ये आप देख सकते हैं गुलशन ढाबा, ये भी बहुत अच्छा ढाबा बना हुआ है। और ये आपका लेफ्ट साइड में जो है मन्नत ढाबा है। तो ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो है लेफ्ट साइड में सारे 70 माइलस्टोन ढाबे आते जा रहे हैं, और सारे के सारे ढाबे जो है बहुत ही अच्छे ढाबेज हैं। और फिर ये अहूजा ढाबा आ जाता है हमारा, फिर ये झिलमिल ढाबा आ जाता है। तो बस थोड़ी ही देर में हमारा जो है जो ढाबा जिसपे मेनली हमने रुकना है वो है अमरीक सुखदेव, तो आगे जाके अमरीक सुखदेव भी आता है। तो फाइनली बहुत टाइम लगने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुखदेव, अमरीक सुखदेव। रास्ते में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये किसानों का जब से वो चल रहा है इनका रोड, इन्होंने जाम किया हुआ है, तो जब से जो है जो रास्ता जो है 45 मिनट्स टू वन आवर लगता है दिल्ली से, अब उसमें पहुँचने में हमें लग गए कम से कम 2 आवर्स। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अमरीक सुखदेव, जो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और ये है आपका सामने अमरीक सुखदेव, और ये आप देख सकते हैं सामने, ये यहाँ पे जो है सारा प्ले वगैरह का जो है सारा एरिया है, ये सारे यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, और ये आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो है आपका साथ में जो है इसका पड़ोस में, एक तरह से पड़ोसी कह सकते हो, वो आपका जो है वो है गरम धर्म। मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये गरम धर्म जो है ये पड़ोस में है इसके, ये साथ में, और ये हमारा अमरीक सुखदेव है जहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये
कौन सा राइड करना है आपको? सबसे पहले मेरे को वो करना, सब करना है। सब करोगे? अच्छा, ये क्या है, फिश है क्या? ये फिश नहीं। हाँ पता है मुझे, ये फिश पा है ये। चलो जाओ करो, जाओ फटाफट ऊपर जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पार्किंग जो है फुल हो रखी है, और लोग कोई डांस कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहे हैं, सब जो है अपना अपना फन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जो है बेस्ट प्लेस है और वीकेंड, और आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। चलो आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। आप देख सकते हैं कि बाहर फाउंटेन वगैरह कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे बाहर स्टॉल्स भी हैं, शिकारा, लवली, चुस्की, टोनिस्कोप, और बाहर खाने पीने के आउटलेट्स वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो है यहाँ पे आइसक्रीम्स का भी है, और बाहर खाने पीने के आउटलेट्स हैं पूरे। लोग जो है आप बाहर भी बैठ सकते हैं, बाहर की साइड भी पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, और अंदर बैठ के भी खाना वगैरह खा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, जिसको जिस हिसाब से कम्फर्टेबल हो वो उसी हिसाब से जो है अपना एंजॉय कर सकता है। अगर कोई आउटसाइड बैठना चाहता है तो आउटसाइड बैठ सकता है, और कोई अगर इनसाइड में जाना चाहता है तो अंदर की साइड जाके खाना वाना खा सकता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा हैपनिंग प्लेस है, चारों तरफ जो है सब लोग एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं मेरे अमृत सुखदेव, और चारों तरफ बहुत अच्छा क्राउड है और बहुत एंजॉय हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये है हमारा गरम धर्म धर्मेंद्र जी का ढाबा, जो कि सुखदेव अमृत के बिल्कुल साथ में है, पड़ोस में। और ये एंट्रेंस में इस तरह से इसमें शॉप्स वगैरह हैं, और यहाँ पे भी कुछ राइड्स वगैरह की ऑप्शंस हैं। और ये देख सकते हो आप, आपको क्लोज में दिखाता हूँ, ये है आपका गरम धर्म ढाबा। और यहाँ पे धर्मेंद्र जी की जो है फ़ोटो भी लगी हुई है, और ये सामने आप देख सकते हैं, ये आपका गरम धर्म जो है ढाबा। ये बिल्कुल अमरीक सुखदेव और दोनों जो है पास पास में है। अब बैठने वाला काम होगा, यहाँ चलिए। तो ये चीज वो देख रहा है। अच्छा, मतलब तू यहाँ देख रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है, जिधर मोमेंट करेंगे सारी चीज इसमें दिखाई दे रही है। अच्छा, जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे से उसको दिखाई दे रहा है। जेल लग रही है, जेल। बोलो क्या चाहिए आपको? बैडमिंटन है, बैडमिंटन है यहाँ पे। बैडमिंटन नहीं है बेटा, ये अंदर सारी ये क्या है? ये है पाव भाजी, ये हलवा, ये समोसे, ये पूरा अंदर क्राउड बैठा हुआ है, पूरा इस टाइम फुल है, फुल हो रखा है। लो फिर क्या लेना है? ये सारे क्या क्या, आइसक्रीम और ये स्वीट्स वगैरह का जलेबी वाला चाहिए, सारी जो है स्वीट्स वगैरह का, ये सारा पूरा इस टाइम जो है ऑलरेडी पूरा क्राउडेड है, और पूरा इस टाइम ऑलरेडी फुल है। और ये क्या खाना है आपको? मेरे को चाप चाहिए। तो चाप वो प्लेटर ले लो, प्लेटर बेस्ट है, प्लेटर में सब कुछ है, पनीर भी है, मशरूम, ये भी है, सब है। बोलो क्या कह रहे हो आप?
क्या कह रहे हो? बात नहीं कर रहा। इंजॉय नहीं कर रहे आप? इंजॉय नहीं कर रहे? अब वो तो कह दो आप। आ गए आपके फ्रेंच फ्राइज? आ गए? आ गए। कैसा टेस्ट, कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा। बता रहे हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे चल रही है अभी मस्ती, फुल मस्ती। मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है ग्रीनरी एरिया, ये पूरा ग्रीन एरिया है। तो खूब खूब मस्ती कर रहे हैं हम, खूब खूब खा पी रहे हैं। अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अपना वेज प्लेटर का, वो भी आने वाला है। और रियांश भी जो है बहुत इंजॉय कर रहा है, उसने बहुत सारी राइड्स करनी है और अभी इस टाइम फ्रेंच फ्राइज खा रहा है और उसके बाद अभी और भी खाने को आ रहा है। तो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत ही मज़ा। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ बट इस बार जो है बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि स्पेशली हम रात के टाइम आए हैं और बहुत अच्छा क्राउड है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्ती हो रही है। क्या कर रहे थे? बोलो बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि मुझे जो आइसक्रीम वाली गेम होती है ना वो करनी है। अच्छा आया। तो अब ये आ चुकी है हमारी थाली खाने की क्योंकि अब ऑलरेडी हम स्नैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें खा चुके हैं। तो मन तो हमारा खाने का नहीं था बट फिर भी हमने कहा कि खाना ट्राई कर लें। तो ये थाली आ चुकी है, अब इसको फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस आज किया बहुत फन, बहुत इन्जॉय इन अमरिक सुखदेव मूर्तल। तो अगर आपको कहना मैं ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड लोगों से शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी लोकेशन है जो कि आपकी ड्रीम लोकेशन है जो कि मैं कवर करूँ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो डेफ़िनेटली आई विल ट्राई कि मैं उस लोकेशन को कवर करूं और आपको
उस प्लेस के बारे में दिखाने की कोशिश करूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।